बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां रह चुकी हैं जिन्होंने लंबे समय तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करके दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और फिर अपने स्टारडम को हासिल करने के बाद शादी करके अपने हमसफर के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगी थी, मगर किसी कारण से उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, इसलिए वो अपने पति से तलाक लेकर तन्हा जिंदगी गुजारने लगी थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तलाक लेने के बाद जहाँ कई एक्ट्रेस अकेले जिंदगी जी रही हैं, तो वे बॉलीवुड की 6 मशहूर अभिनेत्रियाँ तलाक के बाद अपनी दूसरी शादी करने जा रही हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। तो फिर आइए एक एक कर जानते हैं उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर 1, सारा खान। सबसे पहले टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस सारा खान का नाम आता है, जिन्होंने साल 2010 में अली मर्चेंट के साथ शादी की थी, मगर शादी के एक साल बाद ही इन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया और अकेले ही जिंदगी बिताने लगे। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जल्दी अपनी दूसरी शादी करने वाली है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक ये जल्दी अपने बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन ऋषभ टंडन के साथ शादी करने वाली है। नंबर 2, सुजैन खान। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन के पत्नी सुजैन खान ने इनसे साल 2000 में शादी की थी और अपनी शादीशुदा लाइफ काफी अच्छे से बिता रही थी, मगर किसी कारण से इन्होंने साल 2014 में एक दूसरे से तलाक ले लिया। मगर आपको बता दे, अब खबरें आ रही हैं कि तलाक लेने के बाद जल्द ही अपनी दूसरी शादी करने वाली है। जी हाँ, ये बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट अली कोने के भाई अरसनाल को डेट कर रही हैं, जिनसे जल्द ही शादी करने वाली हैं। नंबर 3, संगीता बिजलानी। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा संगीता बिजलानी ने साल 1996 में मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ शादी की थी, मगर इन्होंने साल 2010 में उन्हें तलाक दे दिया। लेकिन आपको बता दे, खबरों के मुताबिक तलाक लेने के बाद अब ये जल्द ही शादी करने वाली है। हालांकि इन्होंने अपनी शादी को लेकर मीडिया के सामने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। नंबर 4, करिश्मा कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नीली आंखों से मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी, जिस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, मगर इन्होंने रिश्ते में खटास आने की वजह से अपने पति से तलाक ले लिया था। वहीं आपको बता दे, अब ये जल्द ही दूसरी शादी करने वाली है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक फार्मास्यूटिकल कंपनी के CEO संदीप तोशनीवाल को डेट करने लगी थी, जिनसे अब ये जल्द दूसरी शादी करने वाली है। नंबर 5, मलाइका अरोड़ा। बॉलीवुड की क्वीन यानी कि खूबसूरत एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने साल 1998 में मशहूर अभिनेता अरबाज खान से शादी की थी, मगर आपसी संबंध खराब होने के चलते इन्होंने साल 2017 में उनसे तलाक ले लिया और फिर एक्टर अर्जुन कपूर को डेट करने लगी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों पिछले 4 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए खबरों के मुताबिक अब जल्द ही मलाइका अरोड़ा अपनी दूसरी शादी करने वाली है। नंबर 6, मनीषा कोइराला। सबसे आखिर में बात करते हैं बॉलीवुड की टैलेंटेड और खूबसूरत अभिनेत्री मनीषा कोइराला की, जिन्होंने साल 2010 में सम्राट दहल के साथ शादी की थी, मगर बता दे, ये अपनी शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, इसलिए इन्होंने 2 साल बाद ही अपने पति को तलाक दे दिया। लेकिन आपको बता दे, तलाक के बाद अब ये दूसरी शादी करने वाली है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक अब जल्द ही दूसरी शादी करके घर बसाने वाली है। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों के बारे में जानकर कैसा लगा जो जल्द ही दूसरी शादी करने वाली हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।